सर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार 50,000 का इनामी बिना तैयारी को पुलिस गिरफ्त में है। कहाँ से गिरफ्त में आया है, क्या मामला है, पूरा क्या चीज प्रोफाइल है? देखिए, विनय त्यागी नाम का अपराधी था जो कि हमारे थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक मुकदमा संख्या 465/1 केस, जिसमें इसके द्वारा 2015 में दो लोगों का किडनैपिंग करके मर्डर कर दिया गया था। उसमें यह वांछित चल रहा था। इसके ऊपर करीब 50,000 का इनाम था और इसके ऊपर 58 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें हत्या हत्या हो गया, आपका किडनैपिंग हो गई, 307 जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। तो इस पे हमने काफ़ी लंबे समय से टीम लगी हुई थी हमारी। ये सूचना मिली थी कि ये दुबई चला गया था, हम लोग लगातार इसको ट्रेस कर रहे थे। जैसे ही वापस आया है, इसमें हमारे SOG की टीम और जो हमारे थाने पुलिस है लगातार इस पे नज़र रखे हुए थे। इसको हमने कल दिल्ली से गिरफ्तार किया तथा इसको अब हम लोग दाखिल करके माननीय न्यायालय सामने पेश कर रहे हैं। सर कितना मुकदमे के ऊपर है अभी तक, इसकी आपराधिक इतिहास क्या है? जैसे मैंने बताया, इस पर 58 मुकदमे पंजीकृत हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है। इसके साथ साथ जैसे बताया, इसके ऊपर हत्या, किडनैपिंग और 307 जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। सर क्या है, किस तरीके से सुपारी लेता था, या क्या गैंग में और भी सदस्य हैं, या यही मास्टरमाइंड था? देखिए, अब इसका ये काफ़ी लंबा इतिहास है इसका। इसका कई गैंग से इसका जुड़ना शामिल, मतलब हमें पता चला है। ये जैसे कि भूपेंद्र बाफर गैंग था, उनके साथ इसका जुड़ाव सामने आया है। और इसके साथ साथ जो आपका बदन सिंह बद्दो है, उसका भी इसके साथ संबंध था। तो और भी इसके थ्रू जांच की जा रही है। जैसा भी होगा, इतना जांच के बाद इतना आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, एक सवाल ये कि अपराधी विदेश चला गया तो पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी, और किस तरीके से वर्कआउट किया गया है कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ पुलिस जांच आगे बढ़ी और उसके बाद अपराधी को पकड़ा गया है, कितनी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, ये पिछले साल मई में, करीब आई थिंक मई में के आसपास ये दुबई भाग गया था। लगातार इस पर हमारी SOG की टीम नज़र बनाए रखी हुई थी। इसमें हम टच में थे, वहाँ देख इसके ऊपर थी। जैसे ही इसने वापस, ये करीब फेब के आसपास ये वापस आया है यहाँ पे इंडिया में, सूचना मिलते हमने इस पर अपनी टीमें लगी हुई थी। कल हमें इसकी सूचना मिली कि दिल्ली में एक जगह पे एक आवास, उसने अब इसने एक फ्लैट किराए पे ले रखा था, उसमें रह रहा है। हमारी टीम आ गई, इसको गिरफ्तार किया गया है वहाँ से तथा इसको आज हम लोग थाना ब्रह्मपुरी में, मतलब कल रात में ही जैसे दाखिल कर दिया गया है, इसे आज हम लोग इसे माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे और उसके बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।